हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कुछ इस टाइप की नियॉन पोर्ट्रेट सीवी एडिट, और इसका बैकग्राउंड पीएनजी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैंने ये दो फोटो को एडिट किया था, ये पहला बैकग्राउंड है और इसका दूसरा बैकग्राउंड। आप लोगों को अगर दोनों बैकग्राउंड चाहिए तो कमेंट कर देना, दोनों ही दे दूँगा, ठीक है। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को देखो और सीखो। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको इस टाइप की एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एट फर्स्ट आप लोगों को पिक्सआर्ट पर ओपन कर लेना, ठीक है। आप दिन के बाद पिक्सआर्ट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट मिल जाएगा। इफेक्ट पर क्लिक करना और यहाँ से आर्टिस्टिक, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारा इफेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को फेटल टू वाला ऑप्शन को चूज करना है। और इसका जो फेड है वो माइनस कर देना, -0, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है फेस पर उसको रिमूव कर देना। हेयर पर रहने देंगे, हेयर इससे थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया हमारा, तो यहाँ से डन करते हैं। तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना है, और इस बार आप लोगों को एफएक्स पर जाना है, और यहाँ से एचडीआर को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जो थोड़ा कम कर देंगे अनशार्प को, ठीक है, मतलब ज़्यादा शार्प हो जाएगा, इतना सही है। एंड आप लोग ब्रश लेकर फेस पर से आप लोग रिमूव कर देंगे, मतलब फेस पर ज़्यादा नहीं आएगा, फिर भी रिमूव कर देंगे, ठीक है ना गाइस। यहाँ से हो गया हमारा डन। और यहाँ पर कोई काम नहीं है तो ड्रॉ टूल पर जाकर फोटो को सेव कर लेना, नहीं तो फोटो का जो क्वालिटी है बिगड़ जाएगा। यहाँ से फोटो सेव हो जाने के बाद हम लोग फोटो को स्नैपशीट पर लेकर जाएंगे। और यहाँ से जो हमारा टी शर्ट है इसका थोड़ा स्ट्रक्चर को हाई कर देंगे, जो फेस है इसको हम लोग थोड़ा वाइट कर लेंगे, और स्ट्रक्चर को भी हाई कर देंगे। फेस का सेंचुरेशन थोड़ा लो कर देना और ब्राइटनेस को हाई, ठीक है। एक काम मैं पिक्सआर्ट पर भी कर सकता फेस को वाइट, लेकिन वहाँ से क्या होता है ना, फोटो का जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए पिक्सआर्ट पर फेस को डिटैच नहीं करता हूँ मैं। तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो यहाँ से हम लोग ऑटोडेस्क पर लेकर जाएंगे फोटो को, ठीक है भाई। और एक डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर लेंगे, देन फेस को स्मूथ करेंगे ये वाला ब्रश से, ठीक है ना। और इसका साइज देख लो, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, दिखा देता हूँ फिर से। स्मूथ करना है आप लोगों को धीरे से, ठीक है, टाइम देकर करना, तभी अच्छा होगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ, सॉरी गाइस, स्किप नहीं, फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Thank you.
तो गाइस हमारा फेस स्मूथ कंप्लीट हो गया। तो फेस स्मूथ हो जाने के बाद आप लोगों को एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है, ठीक है। और जैसा सेटिंग कर रहा हूँ सेम सेटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपिक पर आ जाना है, तो यहाँ पर V91 ए वाला, अगर आप लोगों में ए वाला कॉपिक का ऑप्शन नहीं आता है तो कलर से भी कर सकते हो। देख लो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो कलर का जो सिलेक्शन है। यहाँ से ब्रश को मीडियम ब्रश ले लेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग इसके ऊपर, सॉरी गाइस यहाँ से और एक सेटिंग करना था, भूल ही गए। यहाँ से आप लोगों को जो ब्लेंडिंग है उसको सॉफ्ट लाइट करना है, ठीक है, सॉफ्ट लाइट, और यहाँ से चलाना है। स्टेप से आप भी चला देना फेस पर, ठीक है, मतलब जो स्किन का एरिया है उस पर चलाना, अदरवाइज फोटो खराब भी हो सकता है। यहाँ पर भी चला देते हैं। तो भाई यहाँ से इतना हो जाने के बाद आप लोगों का जो इसका ओपेसिटी है कितना रखना है, 30 या 40 के बीच में रखना, ठीक है। और इसको मर्ज ऑन कर दें। तो मर्ज हो जाने के बाद आप लोगों को फोटो को सेव कर लेना होगा। फोटो सेव हो जाने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रूम पर जाएंगे। इसे गलती से सिलेक्ट हुआ, जो फोटो को स्मूथ किया अभी अभी उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसका बैकग्राउंड को उड़ा देंगे, सॉरी रिमूव कर देंगे। हमेशा से ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट को डाउनलोड करना, ठीक है ना। अब हम लोग बैकग्राउंड को लेकर आएंगे इसमें। तो इसका कोई काम नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, और हम लोग अपना PNG को लेकर आएंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं इसका जो लोगो है उसको रिमूव कर दूंगा, और इसका जो बाकी का एरिया है वो मैं बाद में रिमूव करूँगा स्नैपशीट पर जाके। देख लेना कैसे रिमूव करता हूँ। इसका एक एम्प्टी लेयर जो लिया है मैंने, इसका जो ब्लेंडिंग है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो एयर ब्रश सेलेक्ट करेंगे और कलर को रेड कर लेंगे, और यहाँ से लिप्स पर अप्लाई कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और इसका ओपेसिटी हम लोग कम कर देंगे, ठीक है, इसको मर्ज कर देंगे। देन हम लोग इसका जो PNG है मतलब मॉडल है इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, और इसका नीचे वाला आई का हिस्सा है इसको ओप कर देंगे, और ये वाला ब्रश ले लेंगे, और इसका हम लोग करेंगे हेयर स्मूथ, सॉरी हेयर एडिट, हेयर स्मूथ बोल रहा हूँ क्या।
तो यहाँ से हेयर एडिट हमारा कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पर जो इसका आई वाला ऑप्शन है इसको ऑन कर देंगे और दो लेयर है इसको मर्ज कर देंगे और एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेंगे और इसका मॉडल का पीछे लेकर चले जाएंगे और आप लोगों को फिर से एयर ब्रश पर आ जाना है और साइज को बढ़ा देना है और इस बार जो हम लोग कलर देखेंगे वाइट कर लेंगे और स्टेप से एक ड्रॉ कर लेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म करके हेड के पीछे लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप से रखूँगा मैं इसका जो अमाउंट है कम कर देंगे थोड़ा ना, सही है। ठीक है, तो यहाँ से मर्ज कर देंगे और एक एम्प्टी लेयर लेंगे और इसका जो मॉडल है मॉडल का ऊपर रखेंगे और कलर को हम लोग ये जो येलो है मतलब ऑरेंज टाइप का जो है इसको लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एयर ब्रश रहने देंगे और साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे गाइस इस पर और जो कॉर्नर है इस पर चलाएंगे ग्लो इफेक्ट के लिए मतलब नियन टाइप लगेगा। ठीक है, मतलब जो साइड है कॉर्नर वहां पर चलाएंगे। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर HSL एडजस्ट पर आएंगे और इसका जो लाइट है उसको हाई कर देंगे थोड़ा सा और सेचुरेशन को भी हाई कर देंगे। बस यहाँ से डन करते हैं, यहाँ से अदर्स पर चले जाएंगे। तो यहाँ से शेयर हो जाने के बाद हम लोग इसको स्नैपशीट पर लेकर जाएंगे भाई और यहाँ से देख लो हीलिंग वाला टूल है इसको देख लो। ठीक है, और यहाँ से हील करके इसको रिमूव हो जाएगा ये आसानी से। देख लो बिफोर आफ्टर रिमूव हो गया। तो हम लोग हेयर जो है इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से और कोई काम है नहीं, सिर्फ लोगों को रिमूव करना था। तो यहाँ से हम लोग लाइट रूम पर लेकर चले जाएंगे और लाइट रूम पर मेन स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर जो फोटो का जो कलर है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और ब्लैक जो है इसको 9 कर देंगे माइनस, सेम करना आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे येलो पर थोड़ा ऑरेंज की साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, और सेचुरेशन थोड़ा हाई कर देंगे और ऑरेंज का जो लुमियंस है उसको थोड़ा हाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से डन करेंगे और टेम्परेचर जो है इसको -5 कर देंगे और टिंट जो है इसको 10 या 11 और वाइब्रेंस को हाई कर देंगे और सेचुरेशन को हाई कर देंगे। अब देख लो बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर जाएंगे यहाँ पर डिटेल पर और शार्पनेस को थोड़ा हाई कर देंगे, डिटेल्स को भी और नॉइस को बढ़ा देंगे, इससे और भी हमारा जो फेस है वो स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ से और कोई काम है नहीं, तो ये था हमारा कंप्लीट एडिट। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।